यार हट जाओ यार तुम। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सड़कें नित नई कहानी गढ़ रही है। ताजा मामला शिवराज सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की विधानसभा क्षेत्र का है, जिसके मुख्य किरदार खुद ऊर्जा मंत्री तोमर ही हैं। दरअसल ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर विधायक हैं। ऊर्जा मंत्री को खुद की विधानसभा क्षेत्र के विनय नगर सेक्टर 2 में स्थित सड़क सीवर लीकेज के चलते खराब होने की शिकायतें मिल रही थी। सोमवार को मंत्री महोदय अपने लाव लश्कर के साथ खराब सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान सीवर का पानी बहने से गड्ढे मिट्टी उगल रहे थे, जिसके चलते सौरभ शर्मा नामक स्थानीय नागरिक के मिट्टी से पैर खराब हो गया, जिसके बाद बिना समय गंवाए ऊर्जा मंत्री तोमर ने उसके पैर धोकर जैसे तैसे अपनी और सरकार की किरकिरी होने से बचाई। लेकिन कहते हैं ना, जो होना है वह होकर ही रहेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शाम को ऊर्जा मंत्री तोमर दोबारा अपने काफिले के साथ इस सड़क से गुजर रहे थे, तभी उनकी कार का पहिया मिट्टी में धंस गया। इसके बाद समर्थकों के साथ उन्होंने भी अपनी गाड़ी को धक्का लगाया, लेकिन इस घटना ने ग्वालियर की जर्जर सड़कों की पोल खोल दी, क्योंकि सुबह जब मंत्री जी स्थानीय नागरिक के पैर धो रहे थे तो समर्थकों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जो दिन भर चर्चा में रहा। लेकिन शाम को जब मंत्री जी खुद अपनी कार में धक्का लगाए तो किसी समर्थक ने नहीं बल्कि किसी नागरिक ने गुपचुप तरीके से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो अब खूब सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्वालियर में सड़कें नित नई कहानी गढ़ रही है।